नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से वीडियो में। आप सभी की ही फरमाइश थी कि यामाहा SX700 SX900 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है कि नहीं है। मैं आपको यामाहा SX900 के बारे में बताऊंगा कि उसमें है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वो कैसे कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल को या डिवाइस को कीबोर्ड के साथ। आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मेन्यू बटन को दबाना है और मेन्यू बटन में आपको यहां पर मिलेगा मेन्यू टू में ब्लूटूथ का ऑप्शन। तो ब्लूटूथ का ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे और ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। अब हम कोई भी मोबाइल लेंगे, इस मोबाइल को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमें इसका ब्लूटूथ ऑन करना होगा। हमने ऑन कर दिया ब्लूटूथ को, अब ये पेयरिंग हो रहा है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में यामाहा PSR SX900 के नाम से कोई भी डिवाइस आ रहा है तो आप उसे कनेक्ट कर ले। देखिए PSR SX900 के नाम से एक डिवाइस, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही ये डिवाइस पेयरिंग मोड में आ जाता है। ये देखिए आपको अलाउ करना है कॉन्टैक्ट, अगर अलाउ करना है तो कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करें, नहीं करना है तो आप सिर्फ पेयर कर दें। ये देखिए ये कनेक्टेड हो गया है, मोटोरोला एज 50 फ्यूजन, आपका जो भी मोबाइल का नाम होगा ये यहाँ से यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम इस मोबाइल से कोई भी चीज़ प्ले करके देखते हैं, यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से आप यहां प्ले करके देख सकते हैं। ये साउंड अब कीबोर्ड से आ रही है। इस आकाश यंत्र में स्थित नीम की आंख आप सबका लक्ष्य। तो इतनी आसानी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, ब्लूटूथ डिवाइस को अपने SX900 के साथ। तो देखा आपने अपने यामाहा SX900 में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस मोबाइल आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। आप उससे कोई भी ट्रैक या किसी भी तरह का ऑडियो आप प्ले कर सकते हैं, उसकी ऑडियो आपके कीबोर्ड के स्पीकर के में बजेंगे। अगर स्पीकर में नहीं बजाना है, आउटपुट साउंड में बजाना है तो साउंड में भी बजेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे और कौन सा टॉपिक आप लोग जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करें वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।